हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर प्लेसेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ईवीएस व्हिच इज माय फैमिली। माय फैमिली। सो स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, डू यू लव योर फैमिली? क्या आप अपने फैमिली से प्यार करते हो? ऑब्वियसली वी ऑल लव अवर फैमिली। हम सभी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं ना? तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, क्या पढ़ेंगे कि फैमिली क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली हम पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की फैमिली होती है, टू टाइप्स की फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, और वी विल स्टडी फर्दर मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली। ओके, इंटरेस्टिंग ना? सो स्टार्ट करें। चलिए ये देखिए, आपका मीनिंग दिया है यहाँ पर फैमिली का। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर। देखिए बच्चों, फैमिली क्या है? प्यूपल का एक ग्रुप है जहाँ पे प्यूपल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक ही साथ एक घर में रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फैमिली। ओके, अब देखिए, फर्स्ट टाइप है फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को और हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली। मतलब स्मॉल फैमिली मतलब, यहाँ पे देखिए पिक्चर बना हुआ आपके बुक में, स्मॉल फैमिली मतलब जहाँ पे आपके मदर, फादर, आप और आपके ब्रदर या सिस्टर रहें, वो क्या हो गई हमारी? न्यूक्लियर फैमिली, और वी कैन से दैट स्मॉल फैमिली। अ फैमिली इन विच मदर, फादर एंड चिल्ड्रेन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। ऐसी फैमिली एक ऐसा परिवार जहाँ पे सिर्फ मदर, फादर और उनके चिल्ड्रेन रहें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्मॉल फैमिली बोलेंगे। और स्मॉल फैमिली को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। आर स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली। नाउ टर्न द पेज। हियर इन पेज नंबर 88 एन एक्टिविटी इज गिवेन हियर। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, राइट द नेम्स ऑफ योर पेरेंट्स। आपको यहाँ पे पेरेंट्स के अपने नेम लिखने हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो लाइन गिवन है आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नेम फिल करना है। सो आपको ये एक्टिविटी अपने से करनी पड़ेगी, अपने अपने बुक्स में अपने पेरेंट्स का आपको नेम फिल करना है। पेज नंबर 88 पे दिया गया है। ओके, अब हम पढ़ते हैं जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली तो हमने पढ़ ली, न्यूक्लियर फैमिली मतलब स्मॉल फैमिली। अब जॉइंट फैमिली का मतलब हम समझते हैं, देयर आर फैमिलीज इन विच ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, चिल्ड्रेन, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर। सच फैमिलीज आर नोन एज बिग और ज्वाइंट फैमिलीज। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दी गई है, न्यूक्लियर फैमिली पे जो पिक्चर दी गई थी वहाँ पे कौन कौन थे? टेल मी। यस, बिल्कुल सही, मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रेन। अब ज्वाइंट फैमिली में कैसी पिक्चर दी गई है? देखिए यहाँ पे कितने सारे मेम्बर्स हैं फैमिली के। तो ऐसी फैमिली जहाँ पे ग्रैंडफादर मतलब बब्बा, ग्रैंड मदर मतलब दादी, मदर, फादर मम्मा पापा और चिल्ड्रेन, अंकल, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर। जहाँ पे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर, फादर, चिल्ड्रेन, अंकल्स, आंट्स, कजन सब लोग एक साथ रहें, ऐसी फैमिली कैसी फैमिली कहलाती है? जॉइंट फैमिली, और वी कैन से दैट बिग फैमिली। ओके, क्लियर है? चलिए अब देखिए, आपको एक टाइम टू आंसर दिया गया, एक और एक्टिविटी दी गई है आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? हियर यू हैव टू पुट येस और नो इन द गिवन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स इज माई फैमिली इज़ अ ज्वाइंट फैमिली। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मेरी फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली है। तो बच्चों, आपकी अगर ज्वाइंट फैमिली है सो यहाँ पे आपको अगर ज्वाइंट फैमिली है तो आपको येस पुट करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर्स इज ज्वाइंट फैमिलीज आर वेरी बिग। ऑब्वियसली येस, ज्वाइंट फैमिली कैसी फैमिली होती है अभी हमने पढ़ा, ज्वाइंट फैमिली को और हम क्या कहते हैं? बिग फैमिली। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, ज्वाइंट फैमिली को क्या बिग फैमिली बोलते हैं? सो येस, ऑब्वियसली हम ज्वाइंट फैमिली कैसी फैमिली होती है? बहुत बड़ी फैमिली होती है। अब योर नेक्स्ट टॉपिक इज मेम्बर ऑफ अ फैमिली। मेम्बर्स मतलब सदस्य, फैमिली का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनसे हमारा क्या रिलेशन है, अब ये हम इसमें पढ़ेंगे। सो रेडी? चलिए, ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। सभी मेंबर्स जो एक फैमिली में जितने मेंबर्स रहते हैं वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इजेंट इट? आप अपनी दादी से रिलेटेड हो,
यस ऑब्वियसली हम रिलेटेड हैं, हम अपने कज़न से रिलेटेड हैं, हम अपने अंकल से रिलेटेड हैं, अपने आंट से रिलेटेड हैं, तो जितने भी हमारे फैमिली में मेम्बर्स होते हैं हम सभी से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। द मदर ऑफ योर फादर और मदर इज कॉल्ड योर ग्रैंड मदर। जो आपके फादर और मदर की मदर होती हैं, मतलब आपके जो मम्मा और पापा की जो आपकी मदर होती हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी? ग्रैंड मदर। ठीक है, देखिए हमारे पापा की मम्मी क्या कहलाएंगी? हमारी दादी, ग्रैंड मदर। और हमारी मम्मा की मम्मा क्या कहलाएंगी? हमारी नानी। तो उन्हें भी हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। ओके, वाइल द फादर ऑफ योर फादर और मदर इज कॉल्ड योर ग्रैंड फादर। जबकि आपके पापा और मम्मी के पापा क्या कहलाएंगे? आपके ग्रैंड फादर। आपके फादर के फादर क्या कहलाए? आपके बब्बा जी, इजंट इट। और आपके मम्मा के पापा क्या कहलाएंगे? आपके वो भी आपके ग्रैंड फादर ही होंगे, नाना जी। ओके, अ सिबलिंग इज़ योर ब्रदर और सिस्टर। देखिए सिबलिंग मतलब क्या होता है? ब्रदर और सिस्टर। हम अपने कजन्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। द ब्रदर ऑफ योर फादर और मदर इज कॉल्ड योर अंकल। अब आपके जो फादर और मदर के, आपके जो मम्मा और पापा के भाई होंगे, ब्रदर होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? अंकल। मतलब आपके जो चाचा होंगे और मामा होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? अंकल। क्लियर है? हिज वाइफ इज़ योर आंट। और उनकी वाइफ को हम क्या कहेंगे? आंट कहेंगे। अंकल के वाइफ को हम क्या कहेंगे? आंट। मतलब चाचा के वाइफ को हम क्या कहेंगे? आंट, चाची होंगी हमारी वो। और मामा के वाइफ को हम क्या कहेंगे? मामी। तो वो भी हमारी क्या होंगी? आंट होंगी। ओके, नेक्स्ट पेज। यू ऑल्सो कॉल द सिस्टर ऑफ योर मदर और फादर एज आंट। आप अपने मदर और फादर, आप अपने मम्मा और पापा के सिस्टर को भी क्या कह सकते हो? आंट कह सकते हो। मतलब बुआ और मौसी को भी, बुआ और मौसी भी आपकी क्या कहलाएंगी? आंट कहलाएंगी। द चिल्ड्रेन ऑफ योर अंकल और आंटी आर कॉल्ड योर कजन्स। जो आपके अंकल और आंटी के चिल्ड्रेन होंगे, वो आपके क्या होंगे? कजन्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर होंगे, इजंट इट। आपके जो मामा और चाचा के चिल्ड्रेन हैं, वो आपके क्या हैं? ऑब्वियसली कजन्स हैं ना आपके, तो आपके क्या हो गए? कजन्स, और वी कैन से दैट सिबलिंग्स। योर मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर फादर्स पेरेंट्स आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखिए हमें यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिली, सीखने को मिली। आपके जो मदर के पेरेंट्स होंगे, आपके मतलब आपकी जो मम्मा के पेरेंट्स होंगे, मतलब आपके जो नानी नानी जी और नाना जी होंगे, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स तो कहलाएंगे। अभी हमने पढ़ा कि हमारी मम्मा के जो फादर मदर होंगे, वो हमारे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होंगे। बट वो हमारे क्या होंगे? उनके वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के आगे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? मैटरनल। हमारे, हम अपनी नानी को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। और अपने नाना जी को हम क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर। ओके, एंड योर फादर्स पेरेंट्स आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। आपके जो फादर हैं, पापा हैं, आपके फादर के पेरेंट्स क्या कहलाएंगे? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। फादर, जैसे आपके पापा, आपके जो दादी जी बब्बा जी होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? दादी जी आपके क्या कहलाएंगी? पैटर्नल ग्रैंड मदर। और बब्बा जी पैटर्नल ग्रैंड फादर। सो हमने यहाँ पे क्या सीखा? मदर के पेरेंट हमारे क्या हैं? मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। और फादर के पेरेंट हमारे क्या हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। ओके, नाउ टर्न द पेज। लास्ट टू लाइन्स आर गिवेन हियर। द लास्ट नेम ऑफ ईच मेम्बर ऑफ योर फैमिली इज कॉल्ड अ सरनेम। जैसे जो भी हमारा नाम है, उसके लास्ट में जो आता है, वो हमारा क्या कहलाता है? सरनेम कहलाता है। जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है सरनेम? मिश्रा, तिवारी, सिंह, बघेल, परिहार एंड ऑल, है ना? तो ये आपके क्या हैं? सरनेम है। ऑल मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली हैव अ कॉमन सरनेम। और जितने भी मेम्बर्स होते हैं फैमिली के, उनका एक कॉमन सरनेम होता है, इजंट इट। सभी को पता है कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबका कॉमन एक ही सरनेम होगा। ओके, सो इंटरेस्टिंग था चैप्टर। सॉरी, वन मोर थिंग इज गिवन हियर, टाइम टू एंसर। इसमें आपको क्या करना है? फिल अप करना है गिवन लाइंस को, आपको यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक लाइन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माई मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड। बताइए अब आपके मदर के पेरेंट्स आपके क्या कहलाएंगे? यस, बिल्कुल सही, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट, मैटरनल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर।
सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माई फादर्स ब्रदर इज माई, अब आपके जो पापा होंगे उनके भाई क्या कहलाएंगे आपके, अंकल। ऑब्वियसली आपके पापा फादर के ब्रदर क्या कहलाए आपके, अंकल।